और ये हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बिहार के छपरा में ट्रेन हादसा हुआ है। प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिल रही है, चार यात्री इसमें घायल हो गए हैं। छपरा एक्सप्रेस पटरी से उतरी है, 14 डिब्बे की पटरी से उतरने की खबर आ रही थी। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, जो अब जानकारी मिल पा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, डीरेल हुई छपरा एक्सप्रेस, सूरत छपरा एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, हादसे से जुड़ी क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए, इस हादसे में अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक चार लोग जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल भेजा जा रहा है। और साथ ही जो सोनपुर डिवीजन के अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। यह ट्रेन जो है सुबह में 9:45 पर डिरेल्ड हुई है, जो छपरा से सूरत के लिए खुली थी। और जैसे ही यह गौतम स्थान रेलवे स्टेशन है वहां पर पहुंची है, उसके बाद 13 डब्बे जो है वो पटरी से उतर गए हैं, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। और अभी वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं, रेस्क्यू का काम शुरू होने वाला है। और कहा यह जा रहा है कि अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसमें किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। यह ट्रेन तकरीबन 9:45 पर यहां पर पहुंची थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। लेकिन हादसे के पीछे की वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। जो अधिकारी पहुंचे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि डिरेल्ड यह ट्रेन कैसे हुई, इस पूरे मामले की जांच होगी, उसके बाद ही यह साफ हो पाएगा। लेकिन प्राइमरी तौर पर अभी जो पटरी 13 बॉगी पटरी से उतरी है उसमें जो लोग घायल हुए हैं उनको उपचार के लिए भेजा जा रहा है। और साथ ही जो छपरा के डीएम है उनको अलर्ट किया गया है, पास का जो जिला है वैशाली वहां पर भी अलर्ट किया गया है, और अस्पताल में और एम्बुलेंस जितने भी हैं उसको मूव किया गया है घटनास्थल की तरफ। तो अभी जो रेलवे के अधिकारी हैं उनका प्राथमिक तौर पर यही है कि जो लोग भी घायल हुए हैं उनको किस तरह से अस्पताल पहुंचाया जाए और उनको बेहतर इलाज के लिए और अगर जरूरत पड़ी तो पटना भी रेफर किया जा सकता है। लेकिन जो अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस पूरे घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 4 से 5 लोग घायल हुए हैं, 13 बॉगी वो बेपटरी हुई है। तो इस पूरे मामले की जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। लेकिन अभी जो है वो अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। चंद्रमोहन, ने जो तस्वीरें दर्शक भी देख पा रहे हैं, पटरी का एक हिस्सा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है, ये हादसे की वजह है या फिर डीरेल होने के बाद ये पटरी टूटी या फिर किसी साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है शुरुआती तौर पर? बिल्कुल, देखिए, अधिकारी अभी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका सीधे तौर पर यह मानना है कि जो पहले अभी घायल हुए उनको अस्पताल में भेजा जाएगा और इस पूरे मामले की एक जांच कमेटी बनाई जाएगी और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे वजह क्या है। लेकिन जो अब तक बातें सामने आई है उसमें ये जरूर कहा जा रहा है कि पटरी टूटा हुआ वहां पर दिख रहा है, यानी कि पहले से पटरी टूटा हुआ है या हादसे के बाद टूटा है, जब जांच होगा उसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन अभी जो 13 बोगी पटरी से उतरा है उसमें कितने लोग घायल हुए हैं ये जो वहां पर टीम पहुंची है उनको निकालने का काम वहां पर शुरू हो चुका है। और साथ ही जो दोनों जिला पास का है, सारण जिसको छपरा कहा जाता है और साथ ही वैशाली, वहां पर दोनों जगह अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है, अस्पताल को भी अलर्ट कर दिया गया है और जो भी दोनों जिले में एम्बुलेंस है उसको मूव किया गया है घटनास्थल के लिए। तो अभी प्राथमिक तौर पर सीधे तौर पर जो रेलवे के अधिकारी हैं उनका यह कहना है कि अभी पूरे मामले की जब जांच होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अभी जो लोग घायल हैं प्राथमिक तौर पर उनको इलाज के लिए पास के अस्पताल में भेजा जा रहा है और वहीं यह भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि जो 13 बॉगी डिरेल्ड हुआ है इसमें और कितने लोग घायल हो सकते हैं, उनके वो किस स्थिति और परिस्थिति में है, इसकी भी लगातार सर्च भी किया जाएगा इस हादसे की तस्वीर सामने आने के बाद। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से पूरी तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। पास के जो जिले हैं वहां के अधिकारी को भी उस घटनास्थल के लिए मूव किया गया है। चंद्रमोहन, लेकिन जब भी कभी कोई एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती है पटरी से, ये मुकम्मल कर लिया जाता है तफ्तीश के बाद कि वो पटरी एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या ये माना जाए कि शुरुआत में कहीं कोई चूक हुई थी, ये देख नहीं पाए थे कि पटरी क्या क्षतिग्रस्त है और उस पर से ट्रेन चली गई, क्या समझा जा रहा है? यात्री कुछ जानकारी दे पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो भी वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं इस मुद्दे पर अभी कुछ बोलने के लिए, इस
मामले को लेकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जहां से पटरी टूटा हुआ नजर आ रहा है इससे कहीं ना कहीं यह जरूर जाहिर हो रहा है कि रेलवे के तरफ से यह चूक रही है, क्योंकि यह आमतौर पर यह रेलवे का नियम है कि अगर कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती है उससे पहले जो इस इलाके के गैंगमैन होते हैं वो पूरी तरह से सुबह से शाम तक उनकी ड्यूटी होती है राउंड लगाने का और पटरी जांच करने का। तो अगर यह पटरी टूटा हुआ था और उसके बाद ट्रेन गुजरी है और इतना बड़ा हादसा सामने आया है तो कहीं ना कहीं इसके लिए रेलवे जिम्मेदार है, लेकिन जो रेलवे के अधिकारी हैं उनका पहला प्राथमिक काम यही है कि पहले जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल भेजने का, और उसके बाद ये भी रेलवे के अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच होगी और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। हो सकता है कि पटरी टूटा हो और रेलवे के अधिकारी जो जांच में रहते हैं, जो गैंगमैन रहते हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो और उसके बाद जब ट्रेन छपरा से खुली थी सूरत के लिए और जैसे ही यह गौतम स्थान स्टेशन पे पहुंची है उसके बाद से यह हादसा हुआ है। तो अधिकारी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जब पूरे मामले की जांच होगी उसके बाद साफ हो पाएगा, लेकिन जो यह हादसा सामने आया है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है कि पटरी टूटा हुआ था और उसके बाद यह ट्रेन गुजरी है, क्योंकि 13 बोगी मतलब लंबा एक टर्म होता है जो एक जगह से एक बोगी दूसरे बोगी से जोड़ा हुआ रहता है, इसका मतलब कि पटरी टूटा हुआ। आखिरकार अभी तक ये पता नहीं चला कि हादसे की वजह क्या है, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें 4 यात्री इस हादसे में अब तक घायल हुए हैं और अब तफ्तीश जारी है कि आखिर हादसा क्या साजिश थी या फिर लापरवाही। और ऐसे में सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी विधायक हाजी अब्दुल सुभान हसन ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने पुलवामा हमले के गुनहगार आतंकी मसूद अजहर को साहब कहकर संबोधित किया और वो भी तब जब उनके पार्टी के नेता तेजस्वी यादव मंच पर ही मौजूद थे। इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करने के लिए मसूद अजहर साहब को चीन ने वीटो लगाया, कि वो आतंकवादी नहीं है और वो इंटरनेशनल आतंकवादी के लिस्ट में नहीं आया। अभी तक कोई भी बता सकते हैं कि चीन के खिलाफ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक लफ्ज बोल रहे हैं क्या? तेजस्वी को माइक थमा दीजिए, वो तेजस्वी यादव और लालू यादव मसूद अजहर की वंदना कर देंगे आरती उतार के। इन लोगों की क्या बात करते हैं आप? अरे यहाँ दिग्विजय सिंह, मसूद अजहर साहब, ओसामा बिन लादेन जी, सोनिया गांधी फूट फूट के रोती हैं जब आतंकवादी बटला हाउस एनकाउंटर में मारे जाते हैं। इनका तो काम ही हो गया, क्योंकि इनको लगता है कि आतंकवादियों को साहब और जी कहेंगे तो इस देश का मुसलमान खुश हो जाएगा। इस देश के मुसलमान इनको इस बार ऐसी चोट मारेंगे, क्योंकि ये तमाम देश के मुसलमानों को आतंकवादियों की लिस्ट में खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आदर के साथ, सम्मान के साथ संबोधन करना तेजस्वी जी के और उनके आरजेडी के विधायकों के और उनके लोगों के संस्कार में होगा। उनको देश से और देश की सेना से कोई मतलब नहीं है, देश की सुरक्षा और स्वाभिमान से कोई मतलब नहीं है। ऐसे मंच को साझा करते हुए और कोई आपत्ति भी दर्ज उन्होंने नहीं की, बोले तो तेजस्वी को जी ने आपत्ति भी दर्ज नहीं की। और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी जो हमारा देश का दुश्मन है, दुनिया का दुश्मन है, शांति का दुश्मन है, उसके विषय में आदर सूचक कहना तेजस्वी के सामने में तेजस्वी की मनोवृत्ति भावना को दर्शाता है। और अब विपक्षी दल एक साथ घेर रहे हैं आरजेडी के इस एमएलए के बयान पर। ना सिर्फ इस विधायक को बल्कि सीधे जवाब मांगा जा रहा है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से, जिनके हाथ बिहार में कमान है पार्टी की। और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन लगातार फोनलाइन पर बने हुए हैं। चंद्रमोहन, अब जब हर राजनीतिक दल घेरने की कोशिश कर रहा है आरजेडी को, लेकिन सवाल अब एमएलए से नहीं पूछे जा रहे, हमला सीधे तेजस्वी यादव पर है कि वो बताएं आखिर क्या कहती है पार्टी उनके आधिकारिक तौर पर उनके विधायक के इस बयान पर। कोई जवाब दे पा रही है पार्टी या तेजस्वी यादव? बिल्कुल, देखिए इस बयान के सामने आने के बाद न तो पार्टी की कोई प्रवक्ता और ना ही तेजस्वी यादव अभी तक कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से तेजस्वी यादव के सामने बयान दिया गया है, सीधे तौर पर पूरा पार्टी और परिवार सवालों के घेरे में है और सीधे तौर पर क्योंकि बिहार में महागठबंधन है तो ऐसे में कांग्रेस भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा, क्योंकि अब सवाल कांग्रेस पर भी उठेंगे, क्योंकि ये पूरा देश जब पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद से ही लगातार
आतंक को लेकर पूरा देश एक साथ एक सुर में खड़ा था। यहाँ तक कि विदेश के भी कई ऐसे राजनेता थे जो सीधे तौर पर इस पर हमला बोल रहे थे, इस पूरे मामले को लेकर मुद्दा बनाए हुए थे। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने और मंच पर ऐसा बयान दिया जाता है तो अब तक पार्टी की तरफ से कोई जवाब तो नहीं आ पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से पार्टी अपने आप को खुद को किनारा करना चाहती है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष और खास तौर पर जेडीयू और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव और उनके परिवार को घेरने में लगी है, इसके बाद इसका जवाब देना होगा कि आखिर क्यों जी शब्द का इतने बड़े आतंकी के नाम के सामने जी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा, क्या ये वोट बैंक की राजनीति है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरा पार्टी और परिवार और साथ में कांग्रेस भी सवालों के घेरे में है, जिसका जवाब तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेताओं को भी देना होगा। बिल्कुल, जवाब अब आरजेडी के नेताओं को देना होगा। शुक्रिया चंद्रमोहन।